सी मिर्ची है, बोल रहे सांभर बनाने वाली मिर्ची, देखो बिल्कुल गोल गोल जैसे नहीं होती, वो चेरी होती है बिल्कुल। अभी इनके पास ना खड़े मसाले का ये पूरा पैकेट है, जैसे गरम मसाला आप बना सकते हैं। तो वाली पटरी पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको सरसों का तेल, देसी घी, बड़े बड़े क्लस्टर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये कितने लिए, 5 लीटर के कितने का मिलेगा वाला? जैसे ये भी सब चीज़ देखने को मिलेगा, बाकी कहीं प्राइस लिखा होगा तो मैं जरूर बताऊंगी इनका भी। गाइज यहाँ पे प्राइस लगा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो काले चने सारा ना आपको इस वाली साइड पर मिलेगा, जैसे कि इस तरीके के रिफाइंड वगैरह आपको बड़े बड़े क्लस्टर मिल जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए। मार्केट में ना काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। भैया ये क्या चीज़ है? तुम का इस मसालों की तरफ ये है आपकी लाल मिर्च है, ये 200। ये वाला तेल कितने का है? ये कच्ची घनी का, ये 5 लीटर का है, ये 5 लीटर का आ जाएगा। सिली की जो होती है, गोवर्धन है आपका, मदर डेयरी है, मिल्क फूड है, बर्तन वर्तन साफ करने के लिए होता है। भैया ये कितने का है? ये क्योंकि पैकेट भी बना रखे हैं ये, और ये वाला गाइस ये ढूंढ रही थी मैं, चिरौंजी 260 रुपए की। गाइस ये है ईरानी किशमिश, अभी शॉप के अंदर आई हूँ, मेरे को पिस्ता अखरोट आपका ये आ जाएगा। तो ये वाला पिस्ता है विदाउट सॉल्ट, मतलब बिना नमक के, जैसे जो मिठाइयाँ वगैरह में डालती है खीर में डालने। ये कैसे थी जावित्री है ना, जैसे कि ये जितनी सॉरी मसाले कर रही है, जो खड़े मसाले होते हैं, तो ये लौंग, इलायची, बड़ी इलायची है, ये अखबरी पिस्ता है। तो ये वाली किशमिश बड़ी अच्छी लग रही है, लंबी लंबी, बहुत सुंदर खानी की, सुंदर खानी साबुत मिर्ची होती है वाली, मसाले वाली। ये कितने की है जी? ये किसका नाम क्या है? है तो मिर्चियों की तो काफी सारी वैरायटी है यहाँ पे। ये येलो से कलर, ये मखानों की छुट्टी होती है, मखानों के जो छोटे छोटे हार्ड पीस होते हैं उनको निकाल, मतलब कि ये आयु क्योंकि हमारी तरफ नहीं मिलती है, ये इन इलाकों में मिलती है, काली बावली में मिलेगी आपको। हे एवरीवन, वेलकम बैक, क्या सब सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज मैं आई हूँ आज चांदनी चौक और जा रही हूँ खारी बाबरी की तरफ। तो खारी बाबरी आपको पता ही है, चांदनी चौक से थोड़ा सा ही आगे बाहर मेन मार्केट से चलो तो आगे जाके सारी ड्राई फ्रूट मसालों की मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है। ये पहले भी दिखा चुकी है एक दो वीडियो के अंदर में अपनी, और कुछ अब तो हार आ रहे तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ सामान लेना था, तो मैंने क्यों ना आज वहीं का ब्लॉग बनाया जाए, थोड़ी आपको भी वैरायटी दिखाई जाए क्या चल रहा है इस टाइम प्राइस वगैरह मार्केट के अंदर। तो मैं वहीं जा रही हूँ, मेट्रो से निकल के अभी आई हूँ, और मौसम खुला हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, सुबह बहुत ज़्यादा हो रही थी, कंटिन्यू बारिश हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। गाइस जिसको यहाँ पे आना है तो उसके लिए नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन वाला है वो रहने वाला है आपका चांदनी चौक का, गेट नंबर 1 से मैं एग्जिट हुई हूँ, तो थोड़ा चलना पड़ेगा खारी बावड़ी के लिए। और अगर कोई नहीं चल पाता है, उसको थोड़ा दूर लगता है, तो वो रिक्शा भी ले सकता है मार्केट तक जाने के लिए, है तो थोड़ा दूर पर रिक्शा लेना। मैं पैदल जा रही हूँ क्योंकि आदत पड़ गई थोड़ी सी, तो वहीं जा रही हूँ मार्केट में। आज आपको थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह का जो भी है प्राइस वगैरह दिखाने की कोशिश करूँगी जितना हो सकेगा। तो चलो गाइज चलते हैं मार्केट की ओर। तो गाइज ये आ जाएगा आपका फतेहपुरी चौक, ये सारा फतेहपुरी चौक है, बिल्कुल आप सीध मतलब फतेहपुरी चौक वाली लाइन आप देख लीजिए सामने, मैं जा रही हूँ वहाँ पे। अगर आप जाएंगे तो गाइज यहाँ से आपको ना ये क्या कहते हैं खारी बावरी की मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो मैंने आगे से देख लेते एक दो शॉप मिल गई थी ड्राई फ्रूट की, बट यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप जो रेगुलर कंटिन्यू शॉप है ना वो सारी इस साइड पे पड़ेगी। तो चलो चलते। तो गाइस ये देखो फर्स्ट शॉप मुझे दिखी है ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, सब पे प्राइस लगे हुए हैं। तो बादाम वगैरह का, काजू है, काजू के अलग अलग होते हैं जो क्वालिटी होती है उस हिसाब से प्राइस होते हैं, मतलब कि बादाम के भी अलग अलग प्राइस है। ये नीचे 720 का भी है, 360 का भी है। किशमिश वगैरह है, ये आपका अखरोट आ जाएगा 720 रुपये के जी का, और 280 रुपये का ये वाला किशमिश है, और 640 रुपये का बादाम, मतलब कि अलग अलग प्राइस है सबके। और ये मिक्स ड्राई फ्रूट है, ये आपका 600 रुपीज़ के जी। तो और बाकी यहाँ पे सारे आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिल जाएंगी, तो थोड़ा और आगे चल के बताती हूँ प्राइस। तो गाइज ये है आपका कुछ खारी बावली का सी, 760 रुपये है प्राइस इसका। और ये कौन सा वाला कह रहे हो? ईरानी वाला, ये 840 रुपये का ये वाला ईरानी आ जाएगा। अच्छा, और वो वाला जैसे अच्छा है ये अफगानी ईरानी। अच्छा, ये 960 रुपये का, ये महंगा है जी, ये महंगा है, इससे भी महंगे होते भैया? अच्छा ये देख लो, अच्छा अच्छा, ओ हो हो, ये कौन सा वाला है? मामरा बादाम महंगा होता है वाला, हाँ सबसे अलग। अच्छा ये वाला, क्या बात है, वो 2200 ही 2400 रुपये, क्या बात है। अच्छा तो भैया प्राइस बता रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये उसके बीज, मगज, अच्छा मगज सारे मिक्स हुए हुए, ये कितने का पड़ेगा? ये 1600 रुपये किलो, किलो है, केजी का पैकेट है, 1600 रुपये किलो, ठीक है भैया, ठीक है। ये बड़ी इलायची का क्या प्राइस है? 1 केजी का क्या प्राइस है भैया? ये 1200 रुपये किलो, 1200 रुपये। और लौंग का? ये 1600 रुपये किलो, 1600 रुपये। मेथी? ये 200 रुपये किलो। तो गाइस प्राइस देखते जाओ सबके प्राइस ज्यादा। दालचीनी का क्या भाव है? 800 रुपये किलो, 800 रुपये के जी। तो टुकड़े वाली? ये 400 रुपये, 400 रुपये किलो। तो अलग अलग प्राइस है सबके। और अच्छा वाली थाल वगैरह भी बनी बनाई मिल जाती है ना, जैसे शादी ब्याह जैसे शगन मगन के लिए, छोटी वाली थाल का क्या प्राइस है इसको? हाँ
इसको 600 रुपए। 600 रुपए छोटी वाली का। इसमें कितना होता है भैया ड्राई फ्रूट वगैरह? 600 ग्राम। 600 ग्राम होता है। और बड़ी वाली में लेना चाहे तो उसमें कितना होता है? वो 1.5 किलो है। वो 1.5 किलो है। अच्छा अच्छा ठीक। ये जो उसको क्या कहते हैं वाले को? खुरबानी। खुरबानी थोड़ा दिखाना पास से। ये देखो पास से देख लो आप। हाँ तो ये है खुरबानी, 640 रुपए केजी है। तो और इसमें भी वैरायटी आती है अलग अलग? बहुत आती है। और ये बराबर में क्या है? ये चिलगोजा। 6000 रुपए किलो। 6000 रुपए केजी। ओके ये देख लो गाइस, 6000 रुपीज केजी है। बाकी अलग अलग काजू में भी काफी सारी आपकी क्वालिटी होती है। और ये जो पिस्ते का प्राइस है, पिस्ता 1140। और वो है वो भी 1140 है सेम। ये देख लो 1600 रुपए। 1640 है। अलग अलग है। अच्छा अच्छा गाइस, किसी को ना जैसे कि मिठाई में डालने के लिए चाहिए होता है, जैसे कि नमकीन वाला चाहिए होता है ना, तो ऐसा चाहिए होता है, ये मुझे लेन में यही लेने आई हुआ, तो ये 2400 रुपए किलो है यहाँ पे। ठीक है ठीक है, 2400 रुपए किलो, बढ़िया। तो गाइस जो मैंने वैरायटी अभी दिखाई, जो प्राइस दिखाए हैं वो है ज्ञानी जी मेवा वाले, ये वाली शॉप है मैंने आपको वैरायटी दिखाई है। इनके प्राइस भी आपको चेक कराएं, काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पे। अंजीर भी है, बहुत सारी वैरायटी है, छुहारे वगैरह, अखरोट भी है। अखरोट का क्या रेट है? 600 रुपए किलो अखरोट है। तो बाकी बहुत सारे प्राइस है गाइस। मिक्स मेवा ये भी है, मिक्स वाले ड्राई फ्रूट कहते हैं इसको, मिक्स मेवा 600 रुपए किलो है। ठीक है ठीक है भैया। खाने कैसे दिए? 1200 रुपए। ये 1200 रुपए किलो का मखाना है वाला गाइस, देख लो। और भी वैरायटीज मखाने में 1280 है, मतलब रेट बढ़ जाएगा। अच्छा और जीरे का भाव है 400 रुपए केजी, 400 रुपीज केजी है। जीरा दिखा देती हूँ गाइस आपको पास से, ये देख लो 400 रुपीज केजी। अच्छा लग रहा है जीरे वाला ना। यहाँ पे जो बादाम के इनकी शॉप पे है 640 रुपए। तो बादाम के तो काफी सारी वैरायटी, 840 भी लिखा हुआ है और 760 भी लिखा हुआ है, काफी सारी वैरायटी है। अंजीर, अंजीर 1800 रुपए किलो हो गया। अच्छा अभी हुआ है कि ट्राई, ये यही प्राइस रहते हैं गाइस। त्योहार की वजह से नहीं है, मतलब यहाँ पे आप जब भी आओगे आपको यही प्राइस मिलने वाला है। तो जो भी मैंने अंजीर वगैरह के जो भी प्राइस बताया है वो मैंने आपको इस शॉप पे बताया, मखाने वाली ये जो मखाने के प्राइस बताए इस शॉप पे बताया। एक ये देखो गाइस, ये वाला अखरोट यहाँ पे देखा मैंने, 480 रुपए का लिखा हुआ, 480 रुपए केजी। और जो मखाने हैं यहाँ पे 1200 रुपए केजी है, आगे 1100 बताए थे, मतलब अलग अलग क्वालिटी का हिसाब होता है। बाकी तो आप यूज़ करते तो पता लगता है। बाकी ये देख लो, ये चिरौंजी, ओहो 100 ग्राम आपकी 260 रुपए की गाइस, यही ढूंढ रही थी मैं। चिरौंजी 260 रुपए की है, 250 ग्राम, बहुत अच्छी लग रही है। और मोटा दाना है, बिल्कुल मोटा दाना है चिरौंजी का, आप देख लो पास से। खरबूजे के बीज है भैया, ये खरबूजे के बीज है आपके 140 रुपए के 100 ग्राम, ये देख लो आप 1400 रुपए किलो, 1400 रुपए किलो है। और ये क्या है सर? ये गोंद है, ये गोंद है, ये 400 रुपए किलो। और ये 180 रुपए के आपको पीनट्स मिल जाएंगे केजी के हिसाब से, या 400 रुपए। यहाँ पे भी जीरा मिल रहा है। और ये क्या होता है लहसुन ना, ये 100 ग्राम लहसुन 120 रुपए का गाइस। ये ना ये आपकी जो पेन वगैरह होता है, जैसे कि हड्डी वड्डी में, जैसे कि जिनको जॉइंट पेन होते हैं ना, उनके लिए बेस्ट होता है ये लहसुन, होता है 120 रुपए का 100 ग्राम है। बाकी काली मिर्चें 180 रुपए केजी, ना सॉरी 1080 रुपए केजी सॉरी। और 60 रुपए का 100 ग्राम आपकी दालचीनी आ जाएगी, 280 रुपए का किलो है धनिया, 280 रुपए का किलो है धनिया। काफ़ी सारी वैरायटी है। और यहाँ पे भी बादाम के प्राइस दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखो अलग अलग प्राइस है बादाम के। अखरोट है 800 रुपए केजी। तो और बाकी ड्राई फ्रूट में तो आपको काफ़ी सारी क्वालिटी और वैरायटी मिलेगी। इलायची का प्राइस है आपका 340 रुपए का 100 ग्राम, काफ़ी सारी है। तो ये जो मैं वैरायटी आपको दिखा रही हूँ, उनकी शॉप का नाम है राम भंडार करके है। इस शॉप के पास मैंने आपको ये वाली वैरायटी के प्राइस बताए हैं, जिसमें कि आपको मखाने हैं और ये अखरोट वगैरह। तो मैं आपको शॉप वगैरह बताती रहूँगी, किसी को प्राइस अच्छे लगे समझ आए तो एक बार विजिट कर लेना। ये कैसे थी जावित्री है ना, ये क्या प्राइस है इसका? तो गाइज ये जावित्री है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है देखने में, 360 रुपए का 100 ग्राम मिलेगा जावित्री। ठीक है तो मैं आपको मसालों के प्राइस बता रही हूँ, जैसे कि ये जितनी भी सॉरी मसाले कह रही हूँ, जो खड़े मसाले होते हैं, तो ये लौंग इलायची, बड़ी इलायची है ये छोटी इलायची है। बाकी बादाम के मैं आपको जो जिस शॉप पे जाऊँगी ना उन सबके प्राइस दिखाऊंगी। काजू की क्वालिटी देखो आप कितनी बढ़िया क्वालिटी है, ये वाली मोटा काजू है बिल्कुल, और ये 880 रुपए का है। बाकी 7-4 रुपए का ये वाला बादाम आ जाएगा आपका। तो हम इनकी शॉप के अंदर आए हैं, अभी अंदर देखेंगे, अंदर भी क्वालिटी अलग अलग है। एक ये देख लो ये वाला बादाम है आपका, काफ़ी बड़ा है, ये है आपका 980 रुपए केजी का। अखरोट आएगा आपका 1080 का, और काफ़ी ऊंचाई पे लगा हुआ है, 1280 रुपए का इनका काजू भी है। भैया छुहारे का रेट 440 रुपए किलो, 440 रुपए किलो, और ऊपर वाला 560 है। अच्छा एक पिस्ता जो है वो 1280 रुपए का है, हाँ अकबरी, अच्छा नाम है अलग अलग, अच्छा अच्छा वही अकबरी पिस्ता है। तो ये तो दुकानदार ही बता सकते हैं ना सबके नाम वगैरह। तो अकबरी पिस्ता है 1280 रुपए का। और ये वाली किशमिश बड़ी अच्छी लग रही है, लंबी लंबी बहुत सुंदर खानी। तो गाइस इस किशमिश का नाम है सुंदर खानी, इसकी काफ़ी लंबी लंबी है, देख सकते हो आप।
ये आपकी पड़ेगी 580 रुपये के जी। तो गाइज यहाँ पे भी बिना नमक वाला जो पिस्ता होता है जो मिठाइयों में डलता है ये आपका 2400 रुपये का है। और बाकी इन्होंने एक छुहारा बताया, इसका क्या प्राइस बताया आपने छुहारे का? 800 रुपये। तो 800 रुपये कह रहे हैं काफ़ी बड़ा छुहारा है, जैसे कि ये वाला ये छुहारा ना इससे भी बड़ा छुहारा बता रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है वो बता रहे हैं। छुहारे वगैरह काफ़ी सारे लगे हुए, वैरायटी वगैरह यहाँ आपको हर तरीके की चीज़ें मिलेंगी। आपको खड़े मसाले मिलेंगे, मसाले मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट की तो ढेर सारी यहाँ पे समझ लो आप, बस खदान है यहाँ पे ड्राई फ्रूट का सारा। ये सारे मसाले, लौंग का क्या प्राइस है यहाँ पे? 160 रुपये की 100 ग्राम। बड़ी इलायची 320 रुपये की 100 ग्राम। और ये आपका जावित्री 360 रुपये 100 ग्राम। तो काफ़ी सारी चीज़ें है गाइस। तो गाइस जो प्राइस जो मैंने अभी प्राइस दिखाए हैं आपको वो है स्प्राइट ड्राई फ्रूट के नाम से शॉप है ये वाली, बिल्कुल इनके ही मैंने आपको शॉप के प्राइस बताए अभी जो मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर। गाइस ये देखो ये वाली मिर्चें हैं, सूखी मिर्चें, लाल मिर्चें जो होती हैं, ये है आपकी 480 रुपये की। ये वाली आपकी आएगी 360 रुपये की, ठीक है। और ये वाला छुहारा यहाँ पे 180 रुपये का है। और ये जो चने हैं आपके, ये आपके आ जाएंगे 130 रुपये किलो, ठीक है। ये चने हैं और चावल भी बासमती यहाँ पे 130 रुपये लिखा हुआ है। एक चीज़ अभी ड्राइव मतलब कि इजी मार्केट में देखने को मिली, ये होता है ना मेरे ख्याल से बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए होता है भैया, ये कितने का है? ये 30 रुपये का एक है। और देखो उन्होंने ना इस तरीके के पैकेट भी बना रखे हैं ये, और ये वाला तो गाइज ये वाला लो आप बना बनाया, या फिर ये वाला लो आप, ये ओनली 30 रुपीज़ का मिलेगा 30 रुपये का। जैसे कि बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए बेस्ट होता है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, तो 30 रुपीज़ ओनली। तो गाइज मार्केट में जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी लोग आए हुए शॉपिंग के लिए, सामान लेने के लिए। गाइज एक ये देखो मिर्चें, लाल मिर्चें हैं जो बड़ी जो साबुत मिर्चें होती हैं वाली मसाले वाली, ये कितने की है? 600 रुपये किलो है। तीखी होती है वाली, तो गाइज एक ये देखो 600 रुपये किलो, काफ़ी बड़ा साइज़ है मिर्चियों का, 600 रुपये किलो। और ये वाली कैसी थी? 500 रुपीज़ के जी। ये किसका नाम क्या है? कश्मीरी। और ये वाली चीनी चिली सॉस के लिए, तो ये चिली सॉस के लिए गाइस काफ़ी बड़ा साइज़ है ये वाली, और ये आपकी कश्मीरी मिर्ची है। तो मिर्चियों की तो काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पे, एक ये येलो से कलर की आ रही है, लाइट शेड मार रहा है, बहुत सारी है मिर्चें। तो गाइस वैसे मैं मखानों की ठुड्डी के लिए भी आई थी, देखो इसमें ना आपकी जैसे मेवे खीर वगैरह बन जाती है, ये मखानों की ठुड्डी होती है, मखानों के जो छोटे छोटे हार्ड पीस होते हैं उनको निकाल मतलब कि उनकी वही होती है। 320 रुपये की है ये, कितनी है? 320 रुपये की केजी किलो। तो गाइज मैंने ये 250 ग्राम ले लिए क्योंकि मैं स्पेशली आई हूँ, क्योंकि हमारी तरफ नहीं मिलती है ये, इन इलाकों में मिलती है, कारी बावली में मिलेगी आपको मखाने की, जैसे कि ठुड्डी की खीर बनाते हैं हमारे, मतलब कि चावल की बनती है मखाने की ठुड्डी की, बहुत अच्छी स्वाद मेवे की खीर बनती है इसकी। तो मैं 250 ग्राम लिए वाली। और ये देखो 440 रुपये का जीरा है यहाँ पर, प्राइस भी दिखा रही हूँ 400 रुपये का भी है, मतलब अलग अलग प्राइस है। काली मिर्च का प्राइस इनके पास जो है वो 880 रुपये। इनकी शॉप का नाम मैं आपको दिखा देती हूँ, ये नाम है इनका कोरा लाल मदन लाल करके ये शॉप है, तो यहाँ से मैंने ठुड्डी ली है गाइज, ठीक है। तो गाइज ये है ईरानी किशमिश, अभी शॉप के अंदर आई हूँ, मेरे को पिस्ता भी लेना था। ये ईरानी किशमिश थोड़ी ना ब्लैक ब्लैक सी मतलब कि ब्राउनिश डार्क ब्राउनिश हो रही है, ये 280 रुपये के जी है आपकी। और ये वाली 340 रुपये के जी है, काफ़ी अच्छी लग रही किशमिश तो। और यहाँ पर 680 रुपये का बादाम है, अखरोट आपका ये आ जाएगा, काफ़ी बड़ा बड़ा रोड है, ये आपका आएगा 1040 का। तो ये वाला पिस्ता है विदाउट सॉल्ट, मतलब बिना नमक के, जैसे जो मिठाइयाँ वगैरह में डलती है खीर में डालने के लिए, तो मैं ये ले रही हूँ, तो मैंने ले लिया है वाला। और यहाँ पे जो मखाने के प्राइस है ये है 1280 रुपये। तो प्राइस अलग अलग है, पैकेट भी बना रखे हैं इन्होंने शॉप के अंदर, काफ़ी मतलब कि सामान यहाँ पर आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। ये देखो जैसे कि पैकेट बना रखे। ये अंकल 1 kg का ये कैसे हैं? ये 1 किलो का है, 1 किलो 980 रुपये का। जी 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 जी, ये अंकल बैठे मिलेंगे आपको शॉप पे, किसी को मखाने की ठुड्डी लेनी है तो वो ले सकते हैं आके। मैंने अभी इनके पास ना खड़े मसाले का ये पूरा पैकेट है, जैसे गरम मसाला आप बना सकते हैं, तो इस पे लिखा हुआ 360 बार, ये देंगे 300 रुपीज़ का आपको। इसमें टोटल कितना होगा? 250 ग्राम है, टोटल 250 ग्राम है। सारी चीज़ें जली हुई, जावेत्री, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जीरा, काफ़ी कुछ जला हुआ है इसके अंदर। आपको 300 रुपये का ये वाला पैकेट पड़ जाएगा 250 ग्राम का। ठीक है जी जी, मिर्ची है, कौन सी वाली मिर्ची है ये? सांबर। और इसका क्या भाव है? 100 रुपए की 100 ग्राम है। कैसी गोल गोल सी मिर्ची है बोल रहे हैं, सांबर बनाने वाली मिर्ची है, देखो बिल्कुल गोल गोल जैसे नहीं होती, वो चेरी होती है बिल्कुल वैसी लग रही है। तो 100 रुपए की 100 ग्राम मिलेगी, थैंक यू। तो गाइज यहाँ पे आप आएंगे ना ऐसे ही आपको रेडिया, ठेले और जिस तरह के मतलब कि देखने को ये सीन मिलेगा आपको इस मार्केट में। काफ़ी जाम रहता है इनकी वजह से भी, काफ़ी जाम होता है, क्राउड होता है इस एरिया में। आप पैदल चलो तो ज़्यादा बेहतर, और आप चलो और आगे पीछे से ऐसे भैया लोग बहुत आएंगे,
ठेले मतलब कि इनके जो सामान ले होते हैं बेचारे काम कर रहे होते हैं तो इनके लिए जगह दे दिया करना। ये यहाँ पे खजूर का क्या भाव है भैया? 280 रुपये किलो। तो काफ़ी सारे खजूर की वैरायटी है यहाँ पे, अलग अलग है। ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, कितने का है? 320 रुपये का ये वाला मिलेगा, और ये वाला मिलेगा आपको 280 रुपये का। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं गाइस। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको पैकिंग में मिल जाएगा, सबके प्राइस लिखे हुए हैं यहाँ पे, पैकिंग में मिल जाएंगे। किशमिश है आपकी, अलग अलग तरह की किशमिश है, मोटी किशमिश है वाली, ये अखरोट आ जाएगी आपकी। भैया ये वाली हल्दी कैसी थी? काफ़ी मोटी हल्दी है। ये हल्दी कैसी थी? भाव है होलसेल में 165 रुपीज़ के जी। काफ़ी गोल गोल है, बड़ी मोटी हल्दी है ये, बट ये होलसेल की शॉप है तो रिटेल में नहीं मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। क्या प्राइस है भैया ये वाली? ये वाली का क्या प्राइस है? 168 के जी। ये वाली काफ़ी मोटी है, ये तो ऐसा लग रहा है अदरक है ना, पीली वाली जो अदरक होती है वही है, नई हल्दी है। तो कहीं जी जैसे अदरक होती है ना पीली वाली, ऐसी लग रही है, बट है हल्दी। इसका क्या भाव है? 160 रुपये के जी। हाँ ये होलसेल में ही मिलेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी जगह देखने में मिल रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मोटे साइज़ की है हल्दी ये। तो गाइस ये स्टार वाली आपको मसाला मिल जाएगा, 160 रुपये का 100 ग्राम है। ये देख लो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं। और ये जावेत्री 300 रुपये की 100 ग्राम ही मिल रही है इतने की, हाँ इतना ही प्राइस मिल रहा है। धनिया आपको 240 रुपये का मिल जाएगा। अच्छा ये राई है भैया, ये क्या है? चाय पत्ती है, चाय पत्ती है। 280 रुपये के जी। जीरा यहाँ पे 400 रुपये किलो है, और इतना ही प्राइस मिल रहा है गाइस मार्केट में, 400-440 रुपये का। बाकी काली मिर्च है 960 रुपये, और 1000 रुपये वाली भी है भाई काली मिर्च, थोड़ी बड़ी साइज़ की होगी इसका मतलब ये। तो ये वाली ये देख लो 1000 रुपये की, और ये वाली आपकी 960 रुपये की है, 40 रुपये का फ़र्क है थोड़ा सा। तो बहुत अच्छी है, मतलब कि मार्केट में आप आओ तो थोड़ा, जैसे किसी को ज़्यादा सामान लेना होता है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बट मुझे तो आना ही था शूट करने के लिए मार्केट में, तो इसलिए मुझे भी लेना था सामान। तो मैं चलो शूट भी हो जाएगी, वीडियो भी बन जाएगी, और मैं अपना काम भी कर लूँगी। मैं आपको जाम दिखाती हूँ, इसलिए मैं आपको पैदल चलने के लिए कहती हूँ, क्योंकि इस एरिया में ना आप हमेशा अगर कहीं इधर से उधर जा रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि आप ना रिक्शा ना करें, तो ना जाम में बहुत लंबे लंबे जाम लगते हैं यहाँ पे। ये देखो कितना दूर तक क्राउड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया भी क्राउड वगैरह, ये देख लो। तो गाइस मैं सामने से क्रॉस करके इस रोड पे आ गई हूँ, फिलहाल तो मैं आपको अभी जाम दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये देख लो कितना लंबा जाम है, और आगे तक शुरुआत से लेके बिल्कुल मतलब कि आगे तक लगा हुआ होगा डेफिनेटली। अच्छा मैं सामने की मतलब क्रॉस कर लिया रोड, दूसरी पटरी पे आ गई हूँ सामने की साइड। यहाँ आपको ना ज़्यादा इस वाली पटरी पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको सरसों का तेल, देसी घी, बड़े बड़े क्लस्टर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये कितने लिए? 5 लीटर के कितने का मिलेगा ये वाला? 730 रुपये। तो 5 लीटर का आपको बेल कोलू का मिल जाएगा 730 रुपये का। तो यहाँ गाइस मेरे पीछे से गाय गई है इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप हो गई थी। इस साइड भी आपको पूजा के सामान की भी चीज़ें, इस पटरी पे जो इस वाली जो मैं क्रॉस करके आई हूँ सामने मिलेगा आपको सारा ड्राई फ्रूट। पर ज़्यादातर इस वाली पटरी पे आओगे तो आपको सारा मंदिर का सामान मिल जाएगा, इस तरह की काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, और मसाले वगैरह तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी इस तरह की वैरायटी भी आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे आपको राशन का सामान मिलेगा, दाल चावल वगैरह सब कुछ, जैसे ये भी सब चीज़ देखने को मिलेगा। बाकी कहीं प्राइस लिखा होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी इनका भी। गाइस यहाँ पे प्राइस लगा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो काले चने हैं ये आपका 100 रुपीज़ के जी है, और ये काबुली चना है ये 140 रुपये के जी है, और राजमा 160 रुपये, चितकबरा राजमा ये आपका 160 रुपये के जी है। बाकी आपका लाल जम्मू राजमा है ये 180 रुपये के जी है ये वाला, और ये आपकी चने की दाल आ जाएगी 100 रुपये के जी। मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ थोड़ा, ये 100 रुपीज़ के जी आएगी। इस बासमती चावल वगैरह के प्राइस भी दिखा देती हूँ, वैसे तो अलग अलग तरीके के ये चावल रखे हुए हैं, यहीं दिखा देती हूँ। ये 45 रुपीज़ का मिलेगा आपको केजी, ये वाला आपका 55 है पास से देख लो, और ये वाला आपका 60 है, ठीक है। थोड़े ये ज़्यादा मतलब कि साबुत नहीं है, मतलब कि बड़े बड़े नहीं है, छोटे ही हैं, 70 रुपये के जी। ये वाला आपका 100 रुपये के जी है, ये वाला थोड़ा बड़ा साइज लग रहा है 100 रुपीज़, ये 110 रुपये, ये बासमती है सारे आपके, ये देख लो 48 रुपये। चूरा जो है वो 48 रुपये का मिल रहा है, जो किनकी चावल जो होता है वो 48 रुपीज़ है। ये देखो सारा ना आपको इस वाली साइड पे मिलेगा, जैसे कि इस तरीके के रिफाइंड वगैरह आपको बड़े बड़े कनस्तर मिल जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए, घी तेल सारी चीज़ें। हम गाइस मसालों की तरफ, ये है आपकी लाल मिर्च है ये 230 रुपये की है, कुटी हुई मिर्च जो है आपकी ये आपकी पड़ेगी 270 रुपये के जी ये वाली, और ये आपका धनिया है 120 रुपये के जी का, ये भी आपका धनिया है, मतलब कि इसमें प्राइस लगे हुए नीचे लिखे हुए हैं, ये सारे आपका हल्दी पाउडर वगैरह। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको सारी चीज़ें आपको इस तरीके से, आप चाहो तो अच्छी क्वांटिटी में भी लेके जा सकते हो, बाकी घर के लिए नॉर्मल राशन भरवाना है आप वो भी भरवा सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, कसूरी मेथी भी है,
तो गाइस यहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे तेल वगैरह सबके लिखे हुए भैया, तेल घी वगैरह सबके प्राइस लिखे हुए हैं ये। अच्छा ये तो कंपनियों के नाम है ना, कंपनियों अच्छा इस देसी घी है तो सारे देसी घी के प्राइस है, कंपनियाँ अलग अलग है तो सबके, इनके यहाँ पे सारी कंपनियों के प्राइस मतलब कि आपको वैरायटी देखने को मिलेगी हर तरीके की। ये वाला तेल कितने का है, ये कच्ची घनी का 200 से कितने लीटर, 2.5 लीटर है, 2 लीटर है ये, 2 लीटर है 280 रुपये का आपको। अच्छा ऑलिव ऑयल भी है, ये वाला कितने का है ऑलिव, डेल मोंटे का 3050, ये 5 लीटर का है, ये 5 लीटर का आ जाएगा ऑलिव ऑयल। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, देख लो सारे बोर्ड पे नाम भी लिखे हुए हैं जो जो कंपनी है देसी घी की जो होती है, गोवर्धन है आपका, मदर डेयरी है, मिल्क फूड है, काफ़ी सारी हैं मार्केट में ना, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। भैया ये क्या चीज़ है, क्या क्या होता है ये, मतलब ताकत के लिए, कितने रुपए के? तो भाई इसे शतावर कहते हैं, शतावर करके बोल रहे भैया, क्या प्राइस बताया भैया, 100 का 100 ग्राम, 100 रुपए का 100 ग्राम। तो काफ़ी सारी ना यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी देखने को मिलती है, देख लो जैसे लहसुन है, ये आपका अलग अलग तरह की, नाम वाम लिखा नहीं है भैया ने, इतनी सारी कहीं पूछूँ, भैया भी बिजी हैं, बाकी यहाँ पे आपको मैं दिखाई रही हूँ प्राइस। तो गाइज ये है खारी बावरी की मार्केट जो मैंने आपको दोनों पटरी के दिखाने की कोशिश करी है, एक पट्टी पे तो आपको ज़्यादातर ना ड्राई फ्रूट वगैरह ही जाते नजर आएंगे, और दूसरी पट्टी पे जब आप आओगे ना तो आपको मंदिर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, घी मिल जाएगा, सरसों का तेल, और भी बहुत सारी वैरायटी है, मसाले हैं, दाल चावल चीनी वगैरह उस साइड भी मिलती है, बट इस साइड ज़्यादा क्वान्टिटी में मिल जाती है। एक मिनट में इतनी कीचड़ हो रही है और इसलिए मैं नीचे देख रही थी कि मैं कहीं कीचड़ वीचड़ में या किसी गड्ढे वड्ढे में ना चली जाऊँ, तो पहले देख लूँ उसके बाद। तो गाइस आ जाते हैं बात पर, कीचड़ बहुत ज़्यादा हुई थी, थोड़ा कीचड़ से निकल के आई हूँ आगे की तरफ। तो ये है आपकी खारी बावरी की मार्केट, मैंने आपको पूरी कोशिश करी दिखाने की और ख़ुद अपना सामान लेने की, तो मैंने ले लिया है, थैला मेरे पास है। तो चलो गाइस बता देना ये वाला ब्लॉग आपको कैसे लगा, आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा मत जाइएगा, तब तक के लिए बाय। और हाँ कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है यहाँ, मतलब कि जो मैंने वीडियो दिखाई कुछ बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिएगा अपना।